जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। मैं बात कर रहा हूं वंचित बहुजन अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार, पुरस्कृत उम्मीदवार 96 परभनी विधानसभा से नासर शरीफ शेख साहब, जो कि वंचित बहुजन अघाड़ी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और कल ही एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अंबेडकर, जो कि सर्वे सर्वा है वंचित बहुजन अघाड़ी के, उन्होंने जिंतूर की सभा में हजारों की तादाद में आए हुए लोगों के सामने 96 परभनी विधानसभा में गैस सिलेंडर इस निशान पे वोट डालने की अपील उन्होंने की, नसर शरीफ शेख साहब को जिताने की अपील की। हमारे साथ तो उन्हीं से हम बात करने के लिए यहाँ उनके ऑफिस में आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नसर भाई, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आपकी जो लड़ाई है 96 परभनी विधानसभा में, ये प्रस्तापित जो दो कैंडिडेट है, दो शिवसेना है, उनके साथ में होने जा रही है, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव में? जैसे कि आपको क्या लगता है कि आप वंचित के उम्मीदवार हैं, ओबीसी, दलित, मुस्लिम, ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा, क्या कहना चाहेंगे? सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं नासिर शरीफ शेख, पुरस्कृत उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी। और जैसा कि कलीम भाई ने मुझे सवाल किया है, मैं इलेक्शंस क्यों लड़ रहा हूँ? मैं इलेक्शंस इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं पेशे से व्यापारी हूँ। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से आउटपुट मिलना चाहिए, हिसाब से हम चलते हैं। तो इस इलेक्शंस के कैलकुलेशंस इस तरह से है, इलेक्शंस कमीशन के जो फिगर्स है वो फिगर्स की स्टडी करने के बाद और जो जातीय समीकरण करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा था, इसीलिए मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। यहाँ से जो आपने बताया, जो प्रस्तापित जो लोग हैं, यहाँ से प्रस्तापित लोग दोनों मराठा हैं। तो दोनों मराठा रहने की वजह से वो ओबीसी का जो विषय है, ओबीसी के लोग में जो ओबीसी के लोगों में जो डोर टू जा रहा हूँ ओबीसी के पास, कुछ कुछ लोग जो यहाँ से 5-50 लोग जो है जो खुद को ओबीसी के रहनुमा मानते हैं, वो रहनुमा छोड़े तो बाकी के जो पूरा ओबीसी समाज, जो माइक्रो ओबीसी समाज, जो माइक्रो बोलने का मेरा मतलब है जो गरीब दरीब है, जिसका राजकारण से कोई लेना देना नहीं, वो समाज का कहना है कि 14 साल से जो 14 महीने से जो हमारा जो आंदोलन चल रहा है ओबीसी मराठों का, तो हम किसी भी कीमत पे मराठा, दोनों मराठा कैंडिडेट को वोटिंग नहीं करने वाले। हम बाला साहेब की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी को मतदान करने वाले हैं। कुछ 5-10% छोड़े तो बाकी सब समाज ये वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ है, मेरे साथ है। और मैं व्यापारी हूँ, जो बोलता हूँ, जो दिखता हूँ वही बोलता हूँ। तो मैं जो जा रहा हूं तो वहां से रिस्पांस इस तरह का है कि जो सामान्य नागरिक है ओबीसी का, वो मेरे साथ खड़ा है, बाला साहब के साथ खड़ा है, वंचित के साथ खड़ा है। ये एक मेरा जो गणित है। और उनका वोट 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 जो परसेंटेज देखा जाए तो 90,000 के करीब ओबीसी मतदान है। तो वहां से अगर कभी कुछ लोग बदमाशी भी करते हैं तो वहां से 25-30-40 हजार जो मतदान है, 25,000-30,000 भी अगर कभी यहाँ सर मुझे मिलता है वंचित बहुजन आघाड़ी को, तो यकीनन मानो तो रिजल्ट कुछ अलग हो सकते। उसी तरह से मेरा खुद का पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी, उनका वोट 30,000 के करीब उनका वोटिंग इस फिक्स वोट माना जाता है। वो वोट मैं जिस तरह से 10 दिन से घूम रहा हूँ वो लोगों में, तो वो लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, वो घर का खा के वंचित बहुजन का काम करते, 1 रुपये की भी उनकी डिमांड नहीं रहती। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं उनका, तो मुझे एक मैं नतीजे पे पहुंचा हूं। तो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो मतदान है 25-30 हजार मतदान, वो फिक्स तौर पे मुझे मिलने वाला है। तो ऐसे कैलकुलेशन जो है तो वो 40,000 से शुरुआत ही हो रही मेरी। हम देख पा रहे हैं पिछले निवडणुक के जो 2-3 टर्म के निगोरी से हमारा मुस्लिम उम्मीदवार 40-45-47 के करीब जा रहा है, कब? अपक्ष होने के बाद। बट मैं आज अपक्ष नहीं हूं, इसके पहले भी ऐसा पोजीशन नहीं था और इसके बाद भी नहीं आएगा। ये सब अल्लाह की तरफ की बात है, कैलकुलेशन बनते आए। अगर की भी शुरुआत मेरी 40 से हो रही और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम समाज, वो मेरे पूरे भाई जो है, तो मुझे यकीन है वो चीजों का कि वो मुझे मतदान करेंगे। आप कुछ लोग क्या कर रहे परभनी में कि वो उलमा जो मेरे भाई है, उलमा को स्टेज पे लाना, उनकी फोटो लेना, उनका सेटअप लेना या उनका क्रेडिट लेना, इस तरह से पॉलिटिक्स परभनी में कुछ दिनों से चल रहा है। मगर अभी बचा हुआ इस्लाम सिर्फ उलमाओं के लिए, मस्जिद में जो नमाज पढ़ती है इमाम, उनके ऊपर है। उनको भी पॉलिटिक्स में इस तरह से लाया जाए तो आम आदमी मुसलमान का यकीन कहीं ना कहीं उस पे से खत्म होने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों से गुजारिश है, जो भी राजकारणी लोग हैं, तो उलमा को इसमें न लाए। अब ऐसा करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा उलमा की, बट मेरे साथ सभी है 400-500 मौलाना का, इमामों का, मौजूना का मेरे साथ मीटिंग भी हुआ। मैं ये शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मगर थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ वीडियो आपके जरिए। ये हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, न्यूज पे नहीं दिखा रहा हूँ, कहीं बताऊंगा भी नहीं। इस तरह से मेरे 17-18 मीटिंग उलमा के साथ हो चुके हैं।
और उन विचारों का ऐसा करना है, सबका मुझे सपोर्ट है, अंदर से सपोर्ट है। उन्होंने बोले 20 तारीख को जो करने का हम करेंगे उसके बारे में। ये खाली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग, कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि इसके पीछे मौलाना नहीं है और मौलाना उलेमा सब महाविकास आघाड़ी के पीछे है, वंचित के साथ उलेमा बोले तो पूरा सेटअप है। अब इसमें भी ऐसी बात है कि जो ये सब वोटर है, जूनियन लोग है ये जो लोग है ना, जूनियन लोग है ये लोग जो है तो मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ाते, लोगों को बोलते हैं। जो बाकी की जो 10-15 जो परभनी के जो रहनुमा बोल रहे, रहनुमा जो बोलते हैं अपने आपको, जो जाके महाविकास आघाड़ी को मतदान करो बोले, तो उनसे कुछ भी नहीं होने लगा। स्थानिक परिस्थिति अलग रहती और सर्वे अलग है। और मैं ये अपक्ष होता तो मैं कभी भी ये गंदा माहौल करने का डेरिंग भी नहीं करता। अपक्ष अगर भी रहता, अपक्ष कोई भी रहता, प्रस्तापित दो लोग भी अपक्ष रहते तो वो भी मतदान नहीं लेते। पार्टी की बात अलग रहती और समाज की बात अलग रहती। मेरे पास जो वोट शेयर आज है वो दोनों प्रस्तापित उम्मीदवारों के पास भी नहीं है। जो बेसिक वोट, जो 25-30 हज़ार का जो पक्का वोट है वो दोनों उम्मीदवार के पास नहीं। मैं सिर्फ एससी की बोल रहा हूँ, मैं कंसिडर नहीं कर, हाँ वंचित का बोल रहा हूँ, वंचित का जो पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ उसका, हाँ जो मेरा 25-30 हज़ार का जो वोट है तो ये दोनों के पास भी नहीं है, फिक्स है, दोनों के पास भी नहीं। इनकी शुरुआत जीरो से ही होने वाली है। एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अंबेडकर के फिक्स है, वो उनका निशानी आ गई बोलते उतने। यस यस उनके है, बाकी कौन सी भी पार्टी ऐसी महाराष्ट्र में नहीं है जिसके फिक्स वोट माने जाते हैं। 5-10-15 हज़ार ठीक है, जो बड़े पार्टी कांग्रेस के जो माना जाएंगे 15-10 नहीं हिलता, क्योंकि ये फिक्स है, ये जी आप जी जी, तो ये फिक्स वोट है। तो उसमें से जो उलमा का जो बदनामी किया जा रहा है मेरे समाज से, तो मेरा समाज, मैं ओबीसी भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा समाज पूरा खड़ा हुआ है बट उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो रही। इस्लाम में स्क्रीनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस है। बहुत इमरजेंसी है तो हम कैमरे के सामने आ सकते, अदरवाइज हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते। ऐसा उलमा का मेरा मीटिंग में बात हुआ तो उलमा का बोलना है कि भाई आपके साथ हम हैं, आपकी तड़प, आपका मैनिफेस्टो जो हमने देखा है पढ़ा है उसके हिसाब से ऐसा मैनिफेस्टो हमने अभी तक करा ही नहीं। और मैं पॉलिटिशियंस हूँ, खुद के लिए नहीं काम करता हूँ, पूरे शहर को मालूम है, समाज के लिए करता हूँ। और मैं चुन के आने के बाद उलमा को ये तक की बोला है मेरा जो मानधन आने वाला है, जो MLA को मानधन मिलता है, मैं वो तक की उलमा के पगार के लिए हदिया के तौर पे देना चाहता हूँ। और ऐसा मैं लिख के देने के लिए भी तैयार है उनको और लिख के दिया भी हूँ। तो मेरी नियत इसमें से समझ आती है, मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं मेरे समाज के लिए आया हूँ, मैं मेरे दलित भाइयों के लिए आया हूँ, मेरे ओबीसी भाइयों के लिए आया हूँ। तो आप समझो इसमें से मेरी तड़प भी समझो। कुछ लोग ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं कि भाई इसके साथ इसका समाज नहीं है, उलेमा नहीं है या बाकी मुस्लिम समाज नहीं है, बट एक एक आदमी के पास मैं जा रहा हूँ। और प्रचार यंत्रणा भी ये लोग जिस तरह से रबा रहे हैं, प्रचार यंत्रणा इलेक्शन कमीशन के हिसाब से लगाना चाहिए, जो 40 लाख खर्चा दिया है उसमें करना चाहिए। ये लोग आड़म धड़म खर्चा कर रहे, कहीं फुगे लगा रहे ऊपर, कई रथ बना रहे, कई रथ बना रहे। इलेक्शन कमीशन के इतने इंस्ट्रक्शन होने के बाद भी ये सारे गुब्बारे लगा रहे, रथ लगा रहे, 100 रथ 150 रथ 1000 ऑटो 500 ऑटो 1000 गाड़ियां, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है तुम्हारा। जरूरत नहीं है सब करने की। एक पॉम्पलेट जब भी घर पे जाता है, एक मैनिफेस्टो तुम्हारा, तो आसानी से प्रचार हो सकता है। ये किस लिए कर रहे, ये सभा, लाखों लोगों के सभा, गेस्ट आ रहे, किस लिए? प्रचार नीति मेरे हिसाब से प्रचार नीति नहीं है। प्रचार नीति चुपचाप जाके करना, 1-2 ऑटो और ये जो मैनिफेस्टो है घर टू डोर टू डोर जाके बोलना कि भाई ये चीजों के है हमारा, ऐसा ऐसा हम काम करेंगे, 10-20 साल से काम नहीं हुआ है, आप काम कीजिए। खाली फिली खर्चा करना, मैं व्यापारी हूँ, एक एक चाय में 2 चाय करते हम, खाली फिली तुम क्या प्रचार कर, जहाँ देना चाहिए वहां देना चाहिए, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, जहाँ पैसा देना चाहिए वहां दो। और तुम दारू पीने के लिए पैसे दे रहे हो, क्या क्या चल क्या रहा है? वेस्ट ऑफ मनी है। और तुम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभाएं, ये बड़े बड़े चीजें क्या है, क्या खर्चा कर रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ, मैं जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो वो देख लो, मैं डायरेक्ट लोगों के पास पहुंचा हूँ। मेरे जो मैंने जो लगाया ना, महिला को काम दिया है, मेरी महिला, मैं जितना हो सका बड़ा मदर संघ है, 10 दिन पहले का मेरा इलेक्शन से 100-150 महिला मैंने काम को लगाया है। और वो महिला जाके बेचारे डोर टू डोर जाके बोल रहे कि भाई ये मैनिफेस्टो है, ये आदमी इस तरह से है, आप वोट कीजिए, सब उसमें लिखा हुआ है, जो उनको लगेगा वो करेगा, जबरदस्ती भी नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे मतदान करो, आप पढ़ो और शहर के हालात देखो और मतदान करो। तो ओवरऑल मेरा जो कलीम भाई जो बोलने का मतलब है, मैं इलेक्शन लड़ने की वजह ये मेरी है कि मेरे पास आंकड़े हैं, मेरी शुरुआत 40 हज़ार से हो रही, मेरा मुस्लिम परिवार की तरह मेरे साथ खड़ा है, मेरा हर एक मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़ा है। उलमा को हम पर्दे के पीछे रखे काम करने वाले हैं। वोट का अधिकार उलमा ने मस्जिदों में से बयान किया है, वो वोट का अधिकार चुपचाप जाके जो अच्छा उम्मीदवार है उनको करने वाले हैं। कुछ लोग
समाज कंटक ऐसा कुछ मैसेज परभनी में दे रहे कि हमारे साथ ओलमा है, ओलमा उनके साथ नहीं है, ओलमा उनके साथ है जो सच्चा है, ईमानदार है, उनके साथ ओलमा है जो परभनी का विकास कर सकता है, उनके साथ ओलमा है। और ओबीसी समाज को एक और मैं बोलना चाहता हूँ ओबीसी समाज को कि ओबीसी समाज ने अच्छा सोच समझ के मतदान करना चाहिए। दोनों प्रस्तापित मराठे हैं, मैं आपका हूँ, दलित ओबीसी और मुस्लिम समीकरण बढ़िया है, इस बार अच्छा चांस है, गुस्सा निकालने का भी चांस है और विकास के लिए मतदान करने का भी चांस है। और एससी मेरे साथ है, ओबीसी मेरे साथ है और मेरा समाज भी मेरे साथ है। रिजल्ट 23 तारीख को निश्चित रूप से बेहतर होगा। किसके भी बहकावे में नहीं जाना चाहिए कि इसके साथ कोई नहीं है, मेरे साथ सब है, बट हम स्क्रीनिंग नहीं कर रहे, हमारा प्रचार करने का तरीका अलग है। इसी तरह से मैं प्रचार यंत्रणा हमारी जो डोर टू डोर जाने की है वो चल रही है, सबको मैसेज पहुंचा है, सबको मालूम है कि उम्मीदवार कौन है, इसलिए प्रचार की यंत्रणा ये वो सब बेकार की बातें हैं। हम जीत रहे हैं, सब मेरे साथ है, रिजल्ट 23 तारीख को आप देखना, फतेह हमारी होगी। जो बाकी जो परभनी का जो समाज है जिसमें उच्च वर्णीय समाज आता, सिंधी, मारोड़ी, कोमटी, जैन, ब्राह्मण, ये जो बाकी उच्च वर्णीय समाज है, ये समाज भी ओपन में जिसको गिना जाता है, ये समाज तक की मेरे साथ है क्योंकि मैं 10 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ। जो परभनी के जो प्रस्थितिस्ट व्यापारी है, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सभी मेरे साथ खड़े, साइलेंट वोटर है, ये साइलेंट वोटर है, के साथ रहेगा। जी जी, मैं इनके साथ काम करता हूँ, बहुत सारे फाउंडेशन हमारे बनाए हुए हैं, उनके अंदर मैं काम करता हूँ, उनके साथ हूँ, रोज हम सवेरे उठ के काम करते, शहर में मेरा काम है, सारे शहर को मालूम है, 18,500 झाड़ 2017 के बाद मैं शहर में लगाया हूँ, तो सामाजिक कार्य बहुत है हमारा, वो बताने की जरूरत नहीं, सब शहर को मालूम है। तो ये जो तबका है, जो साइलेंट वोटर है, ये साइलेंट वोटर भी कहीं ना कहीं मेरे साथ है और वो खुल के नहीं आना चाहते, मेरी बात हो रही, उनसे मीटिंग हो रही। तो और मैं आखिरी बात बोलता हूँ कि आप गुजारिश मैं आपसे करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को गैस सिलेंडर सामने का 11 नंबर का बटन दबा के मुझे विजय कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।